नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। शानदार क्रिकेट करियर के बाद राहुल ने युवा खिलाड़ियों की मदद की है। आज भारत की युवा टीम दुनिया भर में परचम लहरा रही है। राहुल ने न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों की मदद की है। द्रविड़ की दरियादिली और उनकी महानता की एक और मिसाल फिर सामने आई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने राहुल से जुड़ा एक मेल शेयर किया है जिसकी अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इंग्लैंड और मेजबान श्रीलंका के बीच दो मैचों के टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गोल में खेला जा रहा था। इस सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ दो खिलाड़ी डॉम सिबले और जैक क्रॉली को खराब प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है। इस बात से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन नाखुश हैं। दरअसल ये दोनों सलामी बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी से नाखुश केविन पीटरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का एक मेल भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसे सिबले और क्रॉली की मदद मिलेगी। बता दें, पीटरसन को राहुल द्रविड़ ने बहुत पहले एक मेल किया था जिसमें स्पिन खेलने की कला के बारे में बताया था। द्रविड़ द्वारा भेजे गए इस ईमेल के दो पन्ने साझा करते हुए पीटरसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसे प्रिंट करवा लीजिए और सिबले और क्रॉली को दे दीजिए। अगर वे चाहें तो इस बारे में लंबी चर्चा के लिए मुझे फोन कर सकते हैं। बता दें, सलामी बल्लेबाज सिबले और क्रॉली को भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। इस ट्वीट से पहले पीटरसन ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, क्रॉली और सिबले को वो ईमेल देखना चाहिए जो मुझे द्रविड़ ने स्पिन खेलने के बारे में भेजा था। इससे मेरा गेम ही बदल गया। मेल के जरिए द्रविड़ ने सलाह दी थी कि सबसे अहम ये है कि गेंद के फेंके जाते ही हम उसकी लेंथ को देखें, स्पिन का इंतजार करें और अपना फैसला करें। आप बता दें, डॉम सिबली और जैक क्रॉली श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ लगातार तीन बार आउट हो चुके हैं और ये देखकर पीटरसन ने अपने सोशल मीडिया पर स्पिनर्स को खेलने का वो तरीका पोस्ट किया जो उन्हें राहुल द्रविड़ ने बताया था। राहुल द्रविड़ ने ईमेल के जरिए स्पिनर्स का सामना करने के टिप्स लिखकर पीटरसन को दिए थे। पीटरसन ने अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है कि कैसे द्रविड़ ने उनके स्पिनर्स के खिलाफ आ रही कमजोरी को दूर किया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।